जाति आधारित जनगणना पर सुशील मोदी के सवाल पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा, देखिए हमने पहले भी कहा और आप सभी जानते हैं और जनता भी जानती है कि शराबबंदी और पूर्ण शराबबंदी और नशाबंदी कानून को सर्वसम्मति से दोनों सदनों ने पास किया है और आवश्यकता अनुसार समय समय पर हम लोगों ने संशोधन भी किया, लेकिन फिलहाल सरकार की का कोई उद्देश्य नहीं है और कोई मंशा नहीं है कि शराबबंदी कानून को खत्म किया जाए। तो इसमें कोई अभी ऐसा कोई विचार सरकार का नहीं है और हम लोगों ने तो और सख्ती से शराबबंदी कानून को लागू किया होगा और जो आंकड़े हैं वो भी बताते हैं कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है या एक्साइज विभाग ने कार्रवाई की है और टेक्नोलॉजी की मदद से ड्रोन इत्यादि का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है तो गिरफ्तारियां इत्यादि भी बढ़ी हैं। तो फिलहाल ऐसी कोई बात करना कि उसे हटाया जाए और नहीं बोल, देखिए हर कोई स्वतंत्र है अपनी इच्छा रखने के लिए, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग कोई संशोधन करेंगे। फिलहाल उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, हाल में ही हम लोगों ने संशोधन कराया। देखिए कोविड पीरियड से हम लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देने की सुविधा दी जिससे आम लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है और ससमय रजिस्ट्रीज हो रही हैं और आप जानते हैं कि ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम लोगों ने विभागीय स्तर पर एक मॉडल डीड भी तैयार किया है जिसको लोग ऑनलाइन भर करके अपना रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो इस तरह से जो किसी भी समूह का जो वर्चस्व था कि उनके बगैर डिपार्टमेंट नहीं चल सकता, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, उसमें कमी आई है। और जो आंकड़े बताते हैं कि हम लोग आज जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो हम लोग का 100% से ऊपर करीब 118-120% है। इसका मतलब है कि लोगों को सुविधा ज़रूर हो रही है, रजिस्ट्रेशन में कमी नहीं आई है और हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो काम कर रहे हैं वो जनता के फायदे के लिए और सहूलियत के लिए कर रहे हैं। उनको भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। और जो हर जगह जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ सरकारी दफ्तरों में तब भी इस तरह की बातें उठ रही थी और यहाँ हम लोग जो मॉडल डीड हम लोगों ने तैयार करके आम लोगों के बीच में वेबसाइट पर रखा उससे लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो इस वजह से लोग परेशान होंगे। एक सवाल है सर कि हमने जैसे कि शराबबंदी के संबंध में कहा या जातीय जनगणना के संबंध में, तो विपक्ष का तो बोलना काम है, अपनी बातों को रखेंगे आपके सामने लोगों के सामने, लेकिन ये नियुक्तियाँ तो नहीं है। हो सकता है नियुक्ति पत्र देने में थोड़ा वक्त लगता है कई बार, क्योंकि उसमें जो खास करके पुलिस की जो प्रक्रिया उसमें पूर्णतः हम लोग उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि इसके विरुद्ध कोई केस है इत्यादि है कि नहीं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो जब सामूहिक रूप से आप नियुक्ति पत्र देंगे तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए और इस तरह की बात करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। सरकार ने जो कहा है कि हम नई नियुक्तियाँ करेंगे और रोज़गार देंगे तो हम अपनी बातों पर अमल दें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव ने सही कहा कि अगर कोई भी राजनेता कोई भी मंत्री अगर विकास का काम करता है और खास करके हमारे सूबे का विकास का वो काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बार बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उप मुख्यमंत्री जी का भी महागठबंधन के सभी साथियों का यही मांगना है कि बिहार के साथ सौतेलेपन नहीं हो, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और जो विकास की गति है और जो पैसे हमारे ड्यू हैं केंद्र सरकार के पास वो हमें मिलने चाहिए। केंद्र सरकार से आपको मदद मिल रहा है नहीं उस ये तो मामला था, इसे पार्लियामेंट से तो इसे संबंध नहीं रखता। हम लोगों ने नहीं हम लोगों ने अपने संसाधन से सारी कार्रवाइयाँ की है, ये स्टेट गवर्नमेंट का माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
दोनों सदनों ने पास किया और विभाग ने अपना बजट जो है यहाँ के सरकार की मदद से लिया है। और जो भी आप कार्रवाइयाँ देख रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के तहत निर्देश पर पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट का नुकसान हो रहा है। आप लोगों ने केंद्र से मांगा इस मामले में? नहीं, देखिए आपने अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दो दो चुनाव और कई कार्य आ गए हैं, शुरू में जो आकलन हुआ था उसमें बढ़ोतरी हुई है, इसलिए कुछ महीने बढ़ाए गए हैं, लेकिन जो समय दिया गया है उसमें होगा। सुशील मोदी विपक्ष में है तो उनका सवाल स्वाभाविक है। शराबबंदी कानून पर सर्वसम्मति से पास किया गया है, फिलहाल सरकार की कोई मंशा नहीं है कानून वापस लेने की और सख्ती से और आधुनिक तरीके से शराबबंदी कर रहे हैं। बीजेपी के नियुक्ति पत्र देने के सवाल पर मंत्री ने कहा विपक्ष का काम बोलना है। मनीष सिटी पोस्ट लाइव पटना।